देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, उसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। टू कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड फोर कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसका मतलब हमारे पास कार्ड्स रिमेनिंग कितने हैं, 46। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो बोर्ड के एग्जाम में तो पूरा फॉर्मूला लिख के आऊंगा, प्रोबेबिलिटीज फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। हाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, फिर तो आप एबीसीडी लिखोगे तो नीचे तो 46 आएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, टू कार्ड्स ऑफ हर्ट, हर्ट कौन से कलर का होता है, कोई बता सकता है मुझे, हर्ट कौन से कलर का होता है बेटा कार्ड्स में? रेड कलर का कार्ड होता है। और स्पेड कौन से कलर का होता है बच्चों, स्पेड कौन से कलर का कार्ड होता है बताओ, ब्लैक कलर का होता है ना। अगर फोर स्पेड मिसिंग हो गए तो फोर ब्लैक मिसिंग हो गए ना, टोटल देखो 26 तो ब्लैक होते हैं, है ना, 26 कार्ड क्या होते हैं बच्चों, ब्लैक। और 26 क्या होते हैं, 26 ही क्या होते हैं बच्चों, रेड होते हैं, है ना, और फोर ब्लैक्स हमारे क्या हो गए, मिसिंग हो गए, क्योंकि स्पेड तो ब्लैक कलर का ही होता है ना, तो 22 रह गए। तो उसने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, तो 22 आउट ऑफ 46। अब दिक्कत क्या आती है हमारे साथ, हम कर रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन, हमने 22/46 निकाला और कई बार हमने कट कर दिया। अब 11/23 आपका गलत तो है नहीं आंसर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिला, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, 22/46 ऑप्शन में है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शन को घुमा देते हैं कई बार, तो बच्चा भी 11/23 निकाल के ढूंढ रहा है ऑप्शन, यही तो सीबीएसई वाले आजकल एमसीक्यू दे रहे हैं ऐसे ऐसे, और उसे बाद में ध्यान आया यार आंसर तो 22/46 है, उसने कट करके दिखाए, ऑप्शन की तो मर्जी है ना, जैसे मर्जी घुमा ले, ये बात समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन बड़ा मैटर कर जाता है, जिसका एम 100 आउट ऑफ 100 लेना होता है, ठीक है जी।